बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। जहानाबाद जिले के काको प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कई पंचायतों का रालोसपा के जिलाध्यक्ष पिंटू कुशवाहा ने दौरा किया। पिंटू कुशवाहा ने बताया कि घोसी विधानसभा क्षेत्र से हमारी सीट की दावेदारी है। लगातार हम लोग घोसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी मुस्तहकम और मजबूत मान रहे हैं। हम लोगों का लगातार लोगों से संपर्क है और इसी संपर्क अभियान में आज हम काको प्रखंड के 12 पंचायत पहुंचे हैं, जहां लोगों ने मुझे बुलाया और हमारा साथ में साथ देने के लिए आगे बढ़े हैं। पाली से रविश कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले आपको मेरे तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले साल से ही घोसी विधानसभा की तैयारी कर रहे थे और अभी कुछ महीनों से घोसी विधानसभा में हम लोग दौरा कर रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष से लेकर बूथ कमेटी तक हम लोग बना रहे हैं। आज इसी के तहत आज हम लोग काको प्रखंड में अपने सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ, प्रखंड अध्यक्ष के साथ आज एक बैठक किए और इस बैठक में हम लोग बहुत जल्द बूथ कमेटी बनाने का निर्णय लिया और इसके बाद हम लोग बहुत जल्द ही अपने विधानसभा प्रभारी के साथ, जो नियुक्त प्रदेश कार्यालय के द्वारा किया गया, उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद बहुत जल्द ही अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और जो उनका दिशा निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। यहाँ जैसा कि इस पंचायत में और पूरे ये घोसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पूरे मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरा ये लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि पूरे ये जो घोसी विधानसभा में महागठबंधन जो है आगे अच्छा रणनीति बना सके।